हेलो दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल देश विदेश की वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाएं, जिसे देखकर आपकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाएंगी। तो आप अपना मोबाइल लेकर अपने घर का एक कोना पकड़ लीजिए और चलिए इस सफर पे। दोस्तों, पहले देखने पर मुझे लगा ये कोई पुतला है, लेकिन भैया ये तो असली की लड़की है और ये इस लड़के पे ऐसे लिपटी है जैसे कि शरीर में कोई हड्डी ही नहीं है। अच्छा है, दीदी बेल्ट का काम बड़ी आसानी से करेंगी। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं खुश हूं या फिर दुखी, क्योंकि एक बाइक में रूफ देने का कोई मतलब नहीं है। और भैया, अगर गाड़ी कहीं गिर गई तो इतनी भारी है कि आपको क्रेन बुलानी पड़ जाएगी। दोस्तों, इन्हें देखकर लगता है कि कहीं रानी महारानी और इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं कि पड़ोसी देश कहीं ये ना सोच ले कि कोई उन पर अटैक करने आ रहा है। हमारा देश डिजिटल पेमेंट का बादशाह है और भारत और जर्मनी के मिनिस्टर जब बड़ी आसानी से यूपीआई से पेमेंट करके 1 किलो मिर्च खरीदा, तब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया। इस पौधे को नीटलेस कहते हैं, जिसके पत्तों से छोटे छोटे कांटे होते हैं और अगर आपके पैरों पे ये गलती से टच भी हो जाए तो आपका हाल कुछ ऐसा होगा। भाई साहब, मुझे तो केवल देखकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये असली का बच्चा नहीं बल्कि एक बच्चे का प्लास्टिक डॉल है और इस डॉल को ये इंसान अपने हाथों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर रहा है। वैसे दोस्तों, ये देखने में क्यूट तो काफी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है एआई आपकी सारी जॉब्स खा जाएगा तो आप ये वीडियो देखिए। बेचारे एआई को ये ही डिटेक्ट करने में हालत खराब हो जा रही है कि कार के आगे कोई चल रहा है या फिर नहीं। ऐसे में ये पूरे विश्व पे कैसे कब्जा करेंगे? अगर आप थोड़ा सा जुगाड़ लगा दें तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। जैसे कि ये मजदूर जुगाड़ की मदद से बड़ी आसानी से सामान को लोड कर रहे हैं। अब भैया, काम आसानी से हो सकता है तो काहे का मेहनत करना। दोस्तों, आप इसे टैलेंट समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कोई टैलेंट नहीं बल्कि ये तो एक फिल्टर है जिसकी मदद से इसकी गर्दन ताता थैया कर रही है। बस मजे की बात ये है कि इस फिल्टर की टाइमिंग कमाल की। पहले देखने पर आपको लगेगा कि ये प्लेन रोड पर क्यों चल रहा है, लेकिन ये रोड नहीं बल्कि रनवे ही है। जहां मुंबई में रनवे के नीचे से नाला, तो वहीं दिल्ली में रनवे के नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, जो देखने में काफी गजब का लग रहा है। केवल देखने मात्र से ही मेरे घुटने में दर्द होने लगा है। और यहां ये भाई साहब फ्लैश को भी फेल किए हुए हैं। थोड़ी सी और स्पीड और ये पक्का पानी में भी दौड़ने लगेगा। ये तरीका तो एकदम मस्त है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरू में चैन उसके आर पार कैसे गई और कहीं खींचते हुए टायर बीच में फट गया तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। दरअसल ये वीडियो एक एटॉमिक बम टेस्ट का है, जिसे पानी के 500 फीट नीचे ही फोड़ा गया है और आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। मुझे तो बुरा वहाँ की मछलियों के लिए लग रहा है। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो किसी बड़ी बिल्डिंग से लिया गया है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर से है। अब यह कारनामा चीन वालों ने कैसे किया ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। ये कमाल का मिनिएचर मॉडल एक एयरपोर्ट का है, जहां पे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट प्लेन को दिखाया गया है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके बीच स्टार वॉर की एक स्पेस शिप भी रखी गई है। अब इसका यहां क्या काम है ये तो एयरपोर्ट वाले बता पाएंगे। अब जरा इन जनाब से मिलिए, नदी में नहाने के लिए क्या कमाल का जुगाड़ लगाया है। मतलब भैया जेसीबी और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। जिंदगी के असली मजे तो यही ले रहा है। इसको देखने के बाद अब मैं आज के बाद दूध वाले से दूध नहीं लूंगा, पूरी जिंदगी पैकेट वाले दूध से काम चला लूंगा, लेकिन ये गलती अब बिल्कुल नहीं करूंगा। भैया मेंढक को तो निकाल दिया, लेकिन अब वही दूध सबको पिलाएंगे। अगर आप जीवन में साइकिल के पैडल को आगे से मारते मारते थक गए तो ये साइकिल आपके लिए ही बनी है, जिसे चलाने के लिए आगे नहीं बल्कि पीछे पैडल मारना पड़ता है। ये पूरा का पूरा सिंपल साइकिल से अपोजिट है। अगर आप इसे नीचे से देखेंगे तो आपको ये किसी एलियन का इन्वेंशन लगेगा, लेकिन ये तो इंसान है जो आसमान में आग के साथ कलाकारियां कर रहा है। इनके इस लाजवाब जज्बे को एक सलाम है। अगर आपको आपका काम बड़ा ही मुश्किल भरा लगता है तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए, जहां कुछ पैसे के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। मुझे तो बस ये देखकर ही चक्कर आ रहा है। दोस्तों, ये नजारा तब का है जब प्लेन का पायलट प्लेन को रात में उड़ाता है। ये देखने में किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। इस काम को करने के लिए काफी बड़ा दिल होना चाहिए। वैसे एडवेंचर मेरे जैसे कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ऐसा होते देख जाऊं तो इसमें उड़ना तो दूर, मैं बैठूं भी नहीं। हवा का एक झोंका और आग अगर कपड़े में लग गई तो आपका टिकट कट सकता है। दोस्तों, ये गेम देखने में कमाल का लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे स्पोर्ट को नेशनल लेवल पर ले जाना चाहिए, जहाँ दो लोग कीचड़ में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। फिर देखिए चैनल की टीआरपी कैसे आसमान छूती है। दोस्तों, जरा इस कमाल के खूबसूरत क्रूज को तो देखिए। देखने में ये किसी कमाल के हंस की तरह दिख रहा है, लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि हमारे जैसे लोगों को इसे सिर्फ वीडियो में देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। जिस तरीके से आजकल कंपनीज की मार्केटिंग हो रही है, आने वाले दिनों में आपको ऐसे भी एड पक्का देखने को मिलेंगे। अब भैया जहाँ देखो वहाँ ही ऐड दिख रहा है, तो इंसान इनसे कैसे बचेगा? ये पुल इंजीनियरिंग का ऐसा अद्भुत नमूना है, देखिए किस तरह से पानी के ऊपर बनाया गया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर बारिश तेज हो गई तो पानी इसके ऊपर आ जाएगा। वैसे देखने में भले ही मजेदार है, लेकिन भैया रिस्क है। दोस्तों, दुनिया में लोगों के टैलेंट को देखकर मैं अचंभे में बढ़ जाता हूँ। जैसे भाई साहब जिस तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन इस पेंसिल पर कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। कभी कभी सोचता हूँ मैं भी कुछ ऐसा ट्राई करूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ इसके चक्कर में घर से निकाल दिया जाऊंगा। ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये इनकी असली लाइट्स नहीं है, ये
तक का किसी ने एडिट की हुई है। वैसे अगर ऐसी लाइट लग जाए तो आदमी का ध्यान लाइट से नहीं हटेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। इस वीडियो को VFX और ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया है, लेकिन ये देखने में किसी हाई बजट मूवी का सीन लग रहा है। लगता है एडिटर भैया ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत बस एक वीडियो में लगा दी है। आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।